hello students this is your chapter 5 salads class 10th in this chapter we will study about the different types of salads salad aap batablo uh, salad kya hota? that i'll tell you in the chapter let's move to the chapter in this chapter the objectives are to know about the, the salads to be aware of the, uh, of the different parts of salads to know about the types of salads my introduction diya salad ka in the kitchen all the types of food is prepared in which salad plays a very important role a salad can be defined as a combination of raw and cooked in, uh, ingredients which is served Generally cold with any dressing, freshness and variety of ingredients is required for a nice salad. आप किचन में बेटा आपने देखा होगा दैट uh, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा बेटा कि आप घर पे भी कई बार कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप सैलेड्स वगैरह बना जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता होगा तो आप बनाते होंगे uh, Uh, कुछ सिंपल सैलेड्स होते हैं जिसके अंदर बेटा आपने देखा होगा कि सिंपल uh, uh, प्याज है टमाटर है खीरा है ये हम नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं घर के अंदर बट uh, जो सैलेड्स होते हैं बेटा वो कई तरह से बनते हैं कई कई टाइप के होते हैं बहुत सारे कुक uh, भी होते हैं रॉ भी होते हैं इस तरह के सैलेड्स होते हैं uh, अब इस सैलेड कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कुक इंग्रीडियंट्स रॉ रॉ मतलब कच्चा कुक मतलब पका हुआ तो उससे भी बनता है विच इज़ सर्व्ड जनरली कोल्ड विद एनी ड्रेसिंग्स वो uh, किसी के साथ में भी सर्व किया जा सकता है जैसे ड्रेसिंग्स वगैरह करके उसके ऊपर जैसे uh, सुंदर सा उसको uh, बना के और आप उसको सर्व कर सकते हो फ्रेशनेस एंड वेराइटी ऑफ इंग्रीडियंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए नाइस सैलड अब यह है कि एक तो सैलेड अगर आपको चाहिए कि आप uh, किसी के सामने सर्व करना चाहते हैं मतलब रखना चाहते हैं खाने में तो वो एक तो फ्रेश होना चाहिए मतलब नया मतलब आप uh, बिल्कुल फ्रेश लेकर आए कि ऐसा ना हो कि आपका फ्रिज में पुराना रखा है और आपने उसको सैलेड को काट दिया तो देन क्या होगा कि उसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग गया ग्रीनरी सी नहीं नज़र आएगी ना ही टोमैटोज वगैरह रेडिश में नज़र आएंगे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आप फेस कर सकते हो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी फ्रेश ना मूव टू द डेफिनेशन ए सैलेड कैन बी डिफाइंड एज ए कोल्ड डिश प्रिपेयड ऑफ़ वेरियस मिक्सचर्स ऑफ़ रॉ और कु वेजिटेबल्स अब ये कि सैलेड जो है उसको जैसे डिफाइन किया जाता है इट्स अ कोल्ड डिश ऐसे कोल्ड डिश कहा जाता है इससे कोई ऐसा नहीं है कि इसे कोई गर्म गर्म सर्व किया जाता है ऐसा कुछ नहीं इट्स अ कोल्ड डिश प्रिपेयरड ऑफ़ वेरियस मिक्सचर्स ऑफ़ रॉ और कु वेजिटेबल्स जिसके अंदर आप इसको जिसको बनाया जाता है वो कई सारे कुक वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स के साथ में इसको मिक्सचर करके बनाया जाता है यूजली सीजन विद ऑयल विनेगर और अदर ड्रेसिंग्स यूजली जनरली आपने देखा होगा कि इसके अंदर विनेगर वगैरह डाल के इसको ड्रेसिंग किया जाता है या कुछ और उसमें सीजन कर देते हैं जैसे कि आ, आ, बहुत से जो के हैं नींबू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं नींबू निचोड़ते हैं उसके अंदर और उसके बाद उसके उसको ड्रेसिंग करते हैं एंड समाइम्स ए कम्परीट बाय मीट फिश और अदर इंग्रीडियंट्स और okay, कई बार क्या होता है, तो है कि इसके अंदर आ, मीट आ, या कुछ और इंग्रेडिएंट भी मिला देते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उसको इस तरह से खाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैलेड द सैलेड कैन बी वाइडली क्लासीफाइड एज फॉलोइंग टाइप्स फर्स्ट वन इज़ वेजिटेबल सैलेड अब ये जो है इसको सैलड uh, को भी अलग अलग तरह से बांटा हुआ है दैट इज़ आप देखिए इसके अंदर द सैलेड कैन बी डिफाइंड वेजिटेबल सैलेड वेजिटेबल मतलब जो सिर्फ सब्जियों से बनता है एक दूसरा सैलेड बनता है दैट इज फ्रूट सैलड फ्रूट सैलेड यानी उसके अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है पास्ता सैलेड पास्ता तो आप लोग बहुत से बच्चे बहुत पसंद करते हैं पास्ता का भी सैलेड बनाया जाता है पास्ता उसके अंदर डाल के उसको अलग अलग चीज़ों से ड्रेसिंग कर दिया जाता है ठीक दूसरी फिर आ, आता है आपका प्रोटीन सैलेड प्रोटीन सैलेड इसकी ये कई बार सैलड क्या है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इसके अंदर आ, आपका आ, दाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जो उसको कई बार आपने देखा वो सो स्प्राउटेड करके उसको फिर उसका भी सैलड बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में फिर डिटेल में बताऊँगी ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ वेजिटेबल सैलेड अब हम इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा डीपली uh, इसको डिफाइन करके पढ़ेंगे वेजिटेबल सैलेड इट इज़ अ सैलड विच हैज़ द क्रंची वेजिटेबल्स क्रंची वेजिटेबल मतलब खूब जैसे आवाज आती है जैसे कि आपने uh, अगर आप मूली खाएंगे तो वो बहुत क्रंची होती है राइट right? Uh, ऐसे कैरेट है ये सब चीज़ों के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो uh, क्रंची सा फील होता है और ये बिल्कुल बहुत ही एकदम से uh, फ्रेश फ्रेश अगर लेकर आएंगे आप तो बहुत सुंदर लगता है इसका बना हुआ सैलेड द एपिटाइजर इन द मील वेजिटेबल्स यूज एंड इट्स यूज एज द एपिटाइजर इन द मील एपिटाइजर मीन्स कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ये द वेजिटेबल्स यूज कैन बी कुकड और रॉ अब ये जो वेजिटेबल इसके अंदर आप यूज़ करते हैं वो आपके पके भी हो सकते हैं या पका कर भी रख सकते हैं या कच्चा भी इसमें यूज कर सकते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेबल सैलेड आर टॉस्ड सैलेड कोल्ड स्लॉ सैलेड इस तरह के जो सैलड्स uh, के जो नेम है ये अलग अलग टाइप के नाम हैं इसके जो वेजिटेबल सैलड्स के अंदर आते हैं अब हम बात करें फ्रूट सैलेड की इट इज़ अ सैलड विच कंसिस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स अब ये जो सैलेड है इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है कट एंड सर्व्ड एज डेजर्ट एंड एज सन एपेटाइजर टू अब डेजर्ट मतलब कि कहते हैं कि कुछ मीठा खाने का कुछ लोगों का मन करता है तो लोग बहुत ज़्यादा क्या है फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल करते हैं वो उसको खाते हैं और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है द कैन फ्रूट्स कैन ऑल्सो भी यूज इन मेकिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सैलेड्स कैन फ्रूट मतलब जो पैक्ड आते हैं जो डी फ्रीज किए जाते हैं पैक्ड आते हैं उनको भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट विद हनी लेमन ड्रेसिंग जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उसके साथ में हनी और लेमन का ड्रेसिंग कर देते तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है नंबर टू पास्ता सैलेड इट इज़ अ सैलेड मेड अप विद बॉइल्ड फैंसी पास्ता एंड सम वेजिटेबल्स विद ड्रेसिंग इनटू इट अब क्या है पास्ता सैलेड में क्या होता है इसके अंदर uh, बॉइल्ड फैंसी पास्ता का इस्तेमाल किया जाता है और सम uh, उसके साथ में वेजिटेबल्स uh, को मिला के उसको ड्रेसिंग करके इसको अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये और टेस्टी लगता है उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन सैलड इट इज़ इट्स अ सैलड मेड अप ऑफ चिकन हैम बीफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अलॉन्ग विद सम्रेसिंग इट्स जनरली सर दैट द मेन कोर्स इसे मेन कोर्स में इस्तेमाल किया जाता है और जिसके अंदर चिकन हेम बीफ और इनको वेजिटेबल्स इसके साथ में कट करके जब इसको हम लगा के देते हैं और ये बहुत ही आ, ये भी बहुत अच्छा होता है टेस्टी होता है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं से वो इन इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राइट चलिए अब हम मूव करते हैं द सैलेड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड इन टू आप सैलेड को और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं एक तो सिंपल सैलेड होता है दूसरा कंपाउंड सैलेड होता है सिम्पल सैलेड के अंदर क्या होता है आपका यूजली कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ वेजिटेबल along विद द ड्रेसिंग एक टाइप की वेजिटेबल उसके अंदर होती है मतलब कोई भी जैसे आपने खीरे का बना दिया ठीक है तो खीरे के अंदर उसको ड्रेसिंग कर दिया उसके साथ में थोड़ा सा मिर्च लगा दिया साथ में ग्रीन ग्रीन कलर की मिर्च लगा दिया और ड्रेसिंग के लिए आपने इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल दिया या आपने लेमन लेमन का इस्तेमाल कर लिया देन ऑल्सो इट्स अच्छा लगता है खाने में अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कंपाउंड सेलेड दे आर मोर एलो इलेबोरेटेड सैलेड्स विद मोर दैन वन इन्ग्रीडियंट्स अब इसके अंदर और सम कम्पाउंड सैलेड में ये होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होता है इसको कई सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको बनाया जाता है अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सैलड्स दैट इज बेस बॉडी ड्रेसिंग गार्निश अब आ, बेस क्या है बॉडी क्या है और इसका क्या है देखो इसके अंदर आपको डाइग्राम दिखाया हुआ है जिससे कि आपको समझ में भी आ रहा हो ये दिखे कि इसके अंदर बेस क्या है और बॉडी क्या है और गार्निशिंग किससे कर रखी है और ड्रेसिंग के लिए देखो आ, इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया राइट right? चलिए हम बात करते हैं अब बेस की द बेस ऑफ सैलड इज जनरली मेड अप ऑफ़ लीफी ग्रीन्स द लीफी ग्रीन्स हेल्प टू कवर द बेस ऑफ द प्लेटर अब क्या है जो बेस है सैलेड का उसको जनरली आप लोग जो यूज़ करते हैं लीफी ग्रीन चीज का इस्तेमाल करते हैं लीफी ग्रीन हेल्प टू कवर द बेस ऑफ द प्लेट्स प्लेटर विच गिव कंट्रास्ट इन कलर टू जो कि जब एक कंट्रास्ट कलर भी दिखाता है ये द बेस बाउंड द सैलेड एंड द सैलेड लुक्स मोर अपीलिंग वैन मेडअप विद द बेस और अंडर लाइन मतलब अगर इसके बेस के साथ में लगाया जाता है अगर हम लोग सैलेड को रखते हैं तो ये और ज़्यादा अपीलिंग से लगता है मतलब और देखने में अच्छा सा लगता है कि मन करेगा आपका कि मैं इसको खाऊँ और टेस्ट करके देखूँ कैसा लग रहा है द लेटेस्ट इज यूज आर रेड लीफ रदी राडी क्यों आइसबर्ग आरगोला फ्राइशस फ्राइशी एक्सेट्रा अब इस तरह की चीज़ों का मतलब जो ग्रीन लीफी चीज़ें होते हैं लेटेस वगैरह जो है आपके इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि और ये ग्रीन रिश uh, आ जाए और इसका लुक और अच्छा बने और टेस्टी लगे राइट चलिए अब बेटा ये हो गया हमारा पूरा सैलेड के बारे मैंने में मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है समरी में इसमें बस थोड़ा तो सा यही बताया हुआ है दैट स्टूडेंट विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड प्रिपेयर्ड किस तरह के सैलेड्स uh, हैं जो बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे uh, कि किचन में कैसे कैसे सैलेड्स का प्रिपेयर uh, किया जाता है दे विल ऑल्सो लर्न द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सैलेड और उन्हें यह पता चलेगा सैलेड किस किस टाइप के भी होते हैं राइट दिस इज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट Okay then, bye bye. Take care.